पावर हाउस में बन रहे फ्लाईओवर में पहला लोड टेस्टिंग सफल रहा, तो वहीं दूसरे लोड टेस्टिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। आने वाले दिनों में जल्द तीसरे और चौथे चरण की लोड टेस्टिंग की जाएगी। पावर हाउस में बन रहे फ्लाईओवर का दूसरे चरण का लोड टेस्टिंग जारी है। इसमें करीब 30 दिन लगने की संभावना है। इसके बाद इस फ्लाईओवर को सभी लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। इससे बड़े और भारी वाहन सीधे निकल जाएंगे और यह फ्लाईओवर पावर हाउस चौक पर लगने वाली भीड़ से लोगों को राहत प्रदान करेगा। फ्लाईओवर में सबसे ऊपर की ओर एक आर्क ब्रिज बना है। इसके चारों कोनों की लोड टेस्टिंग प्रॉपर की जाएगी। अभी रायपुर से दुर्ग की ओर आने वाले मार्ग में बाएं हिस्से में लोड टेस्टिंग किया जा रहा है। साथ ही फ्लाईओवर में लगे 40 स्लैब में से कुछ स्थानों की रेंडमली लोड टेस्टिंग की जाएगी। इससे उनकी वजन सहने की क्षमता की जानकारी मिल पाएगी। नेशनल हाईवे में जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है पावर हाउस में, वो 1 किलोमीटर 200 मीटर का फ्लाईओवर है। इसमें 95% काम पूरा हो चुका है और लोड टेस्टिंग का काम भी चालू हो गया है और एक स्पान का लोड टेस्ट हो चुका है और दूसरे स्पान का चालू है और एक्सपेंशन जॉइंट है, इसमें 8 से 10 एक्सपेंशन जॉइंट है, उसमें भी काम चल रहा है, वो भी 10 से 15 दिन में हो जाएगा और जून 15 तक इसको आम नागरिकों के लिए खोलने का पूरा प्लान कर लिया गया है और ऊपर डामरीकरण का काम बचा हुआ है, रोड मार्किंग है, गेट साई है और लाइट टेस्टिंग का काम है। ये काम भी 15 से 20 दिनों में हो जाएगा और इस फ्लाईओवर के चालू होने से जो ट्रैफिक नीचे पावर हाउस के नीचे जाम लगता था और लगातार वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती थी, और इस फ्लाईओवर के चालू होने से लोगों को पूरी समस्या का समाधान होगा और जो दुर्घटना की संभावना भी लगातार बनी रहती थी वो भी निश्चित रूप से कम होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों की संख्या बहुत अधिक है, इस कारण ब्रिज के हर स्लैब और आर्क ब्रिज की लोड टेस्टिंग बेहद जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।